हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। ब्रजवासी व्यंजन फ्रॉम मथुरा में आपका स्वागत है। मैं हूँ सीमा पांडे। आज मैं आपको बूंदी की रेसिपी बनाने बताने जा रही हूँ, जो कि बनाने में बहुत ही आसान है। इस बूंदी की आप कढ़ी, रायता, नमकीन बना सकते हैं। इसकी सब्जी भी बहुत अच्छी लगती है। मैंने बूंदी बनाने के लिए एक कप बेसन लिया है, आधा चम्मच नमक लिया है, एक पिंच बेकिंग सोडा लिया है, आप खाना सोडा भी ले सकते हैं, और फ्राई करने के लिए रिफाइंड ऑयल लिया है। सबसे पहले मैंने एक बाउल लिया है बड़ा सा, और इसमें मैं बेसन को डालूंगी। और बेसन को अच्छे से हमने इस तरीके से करने के बाद में इसमें ये सोडा है, बेकिंग सोडा, और ये नमक है, इसको भी डालेंगे अच्छे से। और उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके हम इसका घोल तैयार करेंगे। घोल हमको ना ज्यादा गाढ़ा लेना है और ना ज्यादा पतला लेना है। हम पानी धीरे धीरे ही मिलाएंगे, इसमें एक साथ नहीं मिलाएंगे, और हमें अच्छे से घोल तैयार करना है। इसमें लम्स नहीं पड़ने चाहिए। मैं इसमें थोड़ा सा पानी और मिलाती हूँ। देखिए हमारा घोल बन करके तैयार है, और इसकी कंसिस्टेंसी इस तरीके की रहनी चाहिए। आप देख सकते हैं ये ना ज्यादा पतला है और ना ज्यादा गाढ़ा है। हमारा घोल बन करके तैयार है। अब हम बूंदी बना लेते हैं। हमने गैस पर कढ़ाई रख दी है, ये भी गर्म हो गया है। अब हम चेक कर लेते हैं, एक बूंद डाल करके इस तरीके से चेक कर लेते हैं। हाँ, हमारा तेल गर्म हो गया है पूरी तरीके से। इनको निकाल देते हैं। अब हमने ये इस तरीके से पौनी ली है, आप जो भी बोलते हो इसको। बूंदी बनाना स्टार्ट करते हैं। और अब मैं इसमें इस तरीके से थोड़ा ऊपर से डालेंगे, और इकट्ठा नहीं डालेंगे, एक एक दो दो चम्मच करके ही डालेंगे इस तरीके से। इकट्ठा डालने से वो एक साथ गिरती है, और हम थोड़ा ऊपर करके भी डाल सकते हैं, उससे हमारी और अच्छी आएंगी। हमको फ्लेम को मीडियम लो ही रखना है, ज्यादा हाई नहीं करना है, नहीं तो हमारी बूंदी जल जाएंगी। और इस तरीके से हम लाइट ब्राउन होने के बाद इनको छलनी से इस तरीके से निकाल लेंगे। एक टिश्यू पेपर से निकाल लेंगे इस तरीके से। इसी तरीके से दोबारा से डालते हैं, और थोड़ा ऊपर से ही डालेंगे। एक साथ नहीं डालना है हमको, थोड़ा थोड़ा ही डालना है। इसी तरीके से इनको भी निकाल लेंगे। हमारी बूंदी बन करके तैयार है, और बहुत ही अच्छी बनी है। देखिए काफी क्रिस्पी है, देख सकते हैं आप। और इस तरीके से आप बूंदी बनाइए। घर में बूंदी काफी सस्ती पड़ती है, और सस्ती के साथ साथ हेल्दी भी होती है। बाजार में एक ही तेल को कई बार यूज करते हैं, जो कि स्वास्थ्य के लिए काफी हानिकारक होता है। तो आप इस तरीके से बूंदी बनाइए।
खाइए और खिलाइए, अपने अनुभव मेरे चैनल ब्रजवासी व्यंजन में शेयर कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।